नमस्कार पशुपालक साथियों, आज एक छोटा सा वीडियो रमेश भाई के यहाँ से दानसु से लेके आ रहे हैं। जाने माने पशुपालक, जाने माने ब्रीडर और साथ में एक लीजेंडरी भैंस खड़ी है, लाडो, जिसको पूरा इंडिया जानता है, प्रधानमंत्री मोदी जी से सम्मानित कर चुके हैं और सभी ब्रीडर, सभी पशुपालक जो है इस भैंस का बड़े प्यार से और इज्जत से नाम लेते हैं। और ये वो भैंस है जो इसार स्पम बायोटेक के ऊपर जो बेताब बुल है उसकी माँ है और उसका जो फादर है बेताब का वो सम्राट थे, मुकेरिया है। तो रमेश भाई से आज भैंस के बारे में भी थोड़ा पूछेंगे और बेताब के बारे में भी बात करेंगे। रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, राम राम सारे भाई। तो रमेश भाई कौन सी बार बच्चा दे रही है भैंस? ये 10वीं बार बच्चा दे रही भाई। तो कितना दूध रमेश भाई आज तक दिया है? इसका दूध जितना दिया वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बाकी इसका दूध रिकॉर्ड है 27 किलो 790 ग्राम। 27 790 पीक है, बाकी देखने वाले भाइयों ने तो 30 से ऊपर भी देखा है भैंस का दूध। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो रमेश भाई ये बताइए कि इसका जो कटड़ा अपने पास है सीमन बैंक पे बेताब, हाँ जी, उसके बारे में भी बताइए कुछ। वो बुल भी ऐसी लड्डू भैंस जैसा ही है, जैसे सींग की क्वालिटी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो फिट है जितना है उतना। ठीक है, बहुत बढ़िया बुल है। ठीक है, और वो बुल लाडो का आज लगा सबसे सुंदर बुल भी बेताब ही है। ठीक है, और अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप अभी को विश्वास ही उठ जाएगा धरती पर। ठीक है, और उसका फादर गुल्लू भाई वाला सम्राट थे मुकेरिया, और उसकी माँ भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। उसकी माँ का दूध भी मैंने रिकॉर्ड करवाया था, यहाँ लिया था मेरे घर पे दूध, उस भैंस का और भी ज्यादा था। CIRB में गई तब थोड़ी बुखार होने के कारण दूध कम कर गई थी वो उधर। अच्छा, दूध अपने घर पे कितना? 26+ था उसका अपने घर पे, 26+ था, और वो भैंस भगवान को भी प्यारी होगी भाई। हाँ जी, तो सम्राट का बेटा है बेताब और लाडो को आप देख पा रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो छोटा सा ही लेके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार भैंस है, पूरे देश और पूरी दुनिया इसको जानती है। और इसके जो कटड़ा है उसके सीमन आज हम जो है बटा, ये जो धनोला में जो मेला लगना है इस मेले में जा रहे हैं, तो पंजाब के जो पशुपालक भाई हैं, जो हरियाणा के पशुपालक भाई हैं, वो 2, 3 और 4 दिसंबर को अगर पंजाब से हैं सीमन लेना चाहते हैं तो धनोला में आप पहुंचे, HSB के लगभग जो भी प्रीमियम बुल हैं उन सभी के सीमन आपको धनोला में मिलेंगे। और ये रमेश भाई की बहुत ही शानदार अल्टीमेट भैंस है, लीजेंडरी भैंस है, बड़े इज्जत से इस भैंस का नाम लिया जाता है। तो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और बड़ा दिल से धन्यवाद ऐसे ऐसे ब्रीडरों का, पशुपालकों का, जिन्होंने इतनी शानदार भैंसें तैयार की हैं और लोगों की सेवा जो है आज के दिन इनके जो पेट से पैदा हुए बुल जो सेवा कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें बहुत सारी लाडो जो है किसानों के घर देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों।